हेलो दोस्तों, फोटोशॉप 7.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर डबल क्लिक करना है और यहां से अपनी फ़ोटो ले लेना है। तो हमने इसको लेकर यहां पे इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद सबसे पहले क्रॉप करना है। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो का साइज होता है विड्थ 1.2 इंच और हाइट 1.4 इंच और रेजोल्यूशन 300 रखना है। उसके बाद यहाँ फ़ोटो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको सही से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद इंटर दबाना है और यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं पहले, और यहाँ पे कंट्रोल 0 दबाएंगे तो ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो यहाँ पर एक पॉलीगोनल लेसो टूल है, इस टूल को ले लेना है और यहाँ पर एरिया सेलेक्ट करके, एरिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिलीट बटन दबाना है, ठीक है। तो यहाँ पे गायब हो जाएगा। इस तरह से मैं जल्दी जल्दी इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो गया और यहाँ से पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर मैजिक टूल पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। तो बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। फिर क्या करना है, बैकग्राउंड को चेंज करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ बैकग्राउंड कलर पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक कलर बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसको कलर सेलेक्ट करके ओके कर देना है। उसके बाद बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और डिलीट बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पर कुछ वाइट कलर का निशान आ रहा है बालों पर, तो यहाँ वाटर इरेजर का यूज करना है और इस तरह से इरेज कर लेना है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी में इरेज कर लेता हूँ। फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको स्ट्रोक लगाना है। तो यहाँ फोटो को सिलेक्ट करना है और यहाँ स्ट्रोक और पिक्सल का रखना है, कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देना है। तो यहाँ पे हमारे फोटो पे स्ट्रोक लग चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे आप इसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर्व से क्लिक करना है और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर इसको ऊपर नीचे करके इसको ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके लेवल को भी आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे इसको आगे पीछे करके यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारा ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनकर तैयार हो चुका है। अब क्या करना है, एक नया पेज ले लेना है। उसके बाद यहाँ फाइल पे क्लिक करना है, फिर न्यू और यहाँ पे A4 साइज पेपर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ RGB कलर ही सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। इसको हटाकर यहाँ साइड में रख देते हैं। फिर इस फोटो पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके यहाँ रख देना है और यहाँ इसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ अल्ट शिफ्ट प्रेस करके इसको कॉपी कर लेना है। ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके यहाँ इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख देना है, तो ये कॉपी बन के तैयार हो जाएगा। फिर ऐसे ही करके बहुत सारे लेयर बना लेना है, करीब इसमें 6 आ जाएंगे। अब इसको रेक्टेंगल मार्क टूल से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद इसको इस तरह से नीचे खींच लेना है, ठीक है। फिर यहाँ ऑल्ट दबा के इसको और कॉपी बना लेना है। तो इस तरह से हमने इसको पूरा पेज को भर लेता हूँ जल्दी जल्दी में। तो ये हमारा पूरा पेज बनके रेडी हो चुका है, ठीक है। तो हमारा ये A4 साइज में पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनके रेडी हो चुका है। अब इसको सेव और प्रिंट यहाँ से कर सकते हैं।